इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई भड़काऊ नारेबाजी के मामले में कड़ा एक्शन हुआ। कोर्ट ने बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय समेत 4 आरोपियों को 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि 2 आरोपियों को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। अब अश्वनी उपाध्याय ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जिस पर आज सुनवाई है। साथ ही मामले में फरार 2 आरोपियों की भी पुलिस को तलाश है। आरोप है कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह के मौके पर एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए, भड़काऊ नारेबाजी की गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। जैसे ही ये खबर सामने आई कि अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कल सभी संगठनों के समर्थक थाने के बाहर पहुंच गए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ महिलाएं तो थाने के अंदर जाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन किसी तरह उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर रोका गया। काफी देर तक ये हंगामा जारी रहा। हालात ऐसे थे कि पुलिस को पैरामिलिट्री फोर्स तक बुलानी पड़ी। हालांकि बाद में ये लोग पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर ही प्रोटेस्ट करने लगे। उन्होंने रोड जाम कर दी, लेकिन पुलिस ने थोड़ी देर में ही जाम को भी खुलवा दिया। पुलिस का कहना है उनके पास सबूत है, वीडियो एविडेंस से और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। जैसा आप जानते हैं 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया है इस मामले में, और अभी जो हमारी इंटरोगेशन और पूछताछ है उसमें कुछ और लोगों के भी नाम आए हैं, तो उस पर जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा हम इसमें जो भी नेसेसरी कार्रवाई है वो करेंगे। अलग अलग लोग हैं, उनका अलग अलग रोल है, और जैसा मैं आपसे अभी कह रहा था कि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसमें इस स्टेज पर अगर हम कुछ डिस्क्लोज करते हैं तो ये केस की इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है, इसीलिए मैं ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। बाकी 6 लोग हैं उनको सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया है। भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पुलिस को 2 और आरोपियों की तलाश है। भगवा कपड़ा, मुंह पर आधा मास्क लगाकर नारेबाजी कर रहा उत्तम मलिक फिलहाल फरार है। साथ ही पिंकी चौधरी की भी तलाश हो रही। पिंकी चौधरी का असली नाम भूपेंद्र तोमर है, जो गाजियाबाद का रहने वाला है। पिंकी चौधरी खुद को हिंदू रक्षा दल का चीफ बताता है। हम लोग थे, लेकिन हम लोग 10 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था और 1 बजे समापन हुआ था, 1:30 बजे हम वहां से निकल गए थे, और उसके बाद कुछ हुआ था ये हमें जानकारी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को तोड़ मरोड़ करके, इसको पता नहीं किस तरीके से इन्होंने प्लान करके और ये जो है वीडियो चलाई है, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये बालक हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस जो लोग जो उस वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो बालक हैं भाई, 18-20 वर्ष की आयु होगी उनकी। और अभी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद देखिए देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।